नमस्कार इंडिया, दिस इज रत्नेश तिवारी, कॉन्टिनेंटल टीम कोऑर्डिनेटर ऑफ माय लाइफस्टाइल एंड प्राउड वी काउंसिल। दोस्तों, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सभी का स्वागत करते हुए इस YouTube चैनल में, जिसे हमने क्रिएट किया है आपके बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, ताकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस के माध्यम से आपकी जिंदगी और आपके बिजनेस में वैल्यूज को ऐड कर सकूं। और आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात कर रहे हैं वो है हमारा बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन। अपॉर्चुनिटी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, जिसने मेरी जिंदगी को पूरे तरीके से बदल के रख दिया। और मैं ही नहीं बल्कि मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जिनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आए हैं इस अपॉर्चुनिटी को समझने और इसमें काम करने के बाद। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अंत तक देखिएगा, कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा और पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस की इस दुनिया में, क्योंकि ये तीनों चीजें हैं जो आपको इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से मिलती है, और यही तीन चीजें हैं जिससे कोई भी परिवार बहुत ज्यादा सुखी होता है। लेकिन इसे देखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज एम्प्टी योर कप, दिमाग के प्याले को खाली करें। भरे हुए प्याले में कुछ भी डालने की कोशिश की जाएगी वो छलक जाएगा, बेकार हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एम्प्टी करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे कई लोग देख रहे होंगे जो शायद नेटवर्क मार्केटिंग पहले कर चुके हैं, ऐसे भी कई लोग देख रहे होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं किया है, और ऐसे भी कई लोग देख रहे होंगे जो शायद अभी भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हर प्रकार के लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। आपके पुराने जो भी अनुभव हैं, अगर उसे आप साइड में करेंगे, अगर आप जीरो करके देखना शुरू करेंगे, तो 100% ये अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज ये अपॉर्चुनिटी आपको समझ में नहीं आएगी। अब आपका हो सकता है कहना ये हो कि मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम पॉजिटिव होकर इसे देखें। जी नहीं, मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ना पॉजिटिव होकर देखें ना नेगेटिव होकर देखें, बल्कि आप न्यूट्रल होकर देखें। और जब न्यूट्रल होकर किसी भी चीज को इंसान देखता है तो वो कुछ डिसाइड कर पाता है, कुछ समझ पाता है। याद रखें, यह कोई स्कीम नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, कोई चिटफंड नहीं है, कोई पैसा दो गुना तीन गुना करने की योजना नहीं है, बल्कि जिसके बारे में बात कर रहा हूं यह पूर्णतः 100% वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स के टर्नओवर पर आधारित व्यवसाय है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। क्यों देखना जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि इंसान की जरूरतें बहुत ढेर सारी हैं। हमारी जरूरतें हैं कि हम बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा सकें, अच्छी कार हमारे पास हो, हमारा खुद का घर हमारे पास हो, विदेश यात्राएं हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छी हेल्थ हो और साथ में खुशहाल रिटायरमेंट हो। ये इंसान की जरूरतें हैं, सपने नहीं है दोस्तों, ये जरूरतें हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत देखकर मैं भी पहली बार डर गया था। हकीकत यह है कि इंसान अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव में है, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, ईएमआई का बोझ लगातार बढ़ता चला जा रहा है, लोअर स्टैंडर्ड की लाइफस्टाइल इंसान जी रहा है, नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं और साथ में जेब लगातार खाली होती चली जा रही है। जरूरत और हकीकत में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? वो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है। आइए मैं उन कारणों पर आपसे बात करता हूं दोस्तों। अच्छी कमाई करने के इंसान के पास विकल्प क्या क्या होते हैं? ये चार विकल्प हैं जो आपके सामने हैं, नौकरी, खेती, प्रोफेशन, व्यवसाय। ये चार विकल्प हैं जो हर एक इंसान के सामने होते हैं जिससे वो आमदनी कर सकता है। लेकिन सभी में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दोस्तों। क्यों क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है? क्योंकि 80% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो इन चारों विकल्पों में काम करके भी अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 80% से ज्यादा लोग। मतलब बहुत सिंपल है कि आज लोग काम भी कर रहे हैं और साथ में स्ट्रगल भी कर रहे हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन इन चारों विकल्पों में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जो सबसे ज्यादा आमदनी दे सकता है, वो है व्यवसाय। बिजनेसमैन ही जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी आमदनी करता है, लेकिन फिर भी एक आम आदमी जिंदगी में कभी भी बिजनेसमैन बनने के बारे में सोच भी नहीं पाता है। कारण बहुत सिंपल है कि जरूरी रिसोर्सेज उस इंसान के पास होते ही नहीं है, और वो कभी सोच भी नहीं पाता कि मैं ऐसे जरूरी रिसोर्सेज इकट्ठा कर पाऊंगा ताकि मैं व्यवसायी बन सकूं। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसे व्यवसाय के बारे में चर्चा कर रहा हूं, एक ऐसे बिजनेस के बारे में बता रहा हूं जो आम आदमी के लिए है। जी हां, आम आदमी के लिए है। हर एक आम इंसान, हर एक कॉमन मैन इस व्यवसाय को कर सकता है। चाहे भले आप स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे भले आप एक नौकरी पेशा इंसान क्यों ना हो, चाहे भले आप एक बिजनेसमैन क्यों ना हो, चाहे भले आप एक प्रोफेशनल क्यों ना हो, चाहे भले आप एक हाउसवाइफ क्यों ना हो, चाहे भले आप एक बेरोजगार इंसान क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना हो दोस्तों, मैं भी एक नॉन बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं। मेरी जिंदगी के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या, मैंने कभी भी लाइफ में बिजनेस ही नहीं सोचा था।
नॉन बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, लेकिन फिर भी इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हूं, आप भी हो सकते हैं। लेकिन ये देखना जरूरी है कि बिजनेस है क्या। दोस्तों, इस बिजनेस को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। क्या डिफरेंस है किसी भी पारंपरिक व्यवसाय में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में? बहुत सिंपल सा डिफरेंस यहां पे आपको दिखाई दे रहा है। पारंपरिक व्यवसाय या ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भारी पूंजी निवेश की जरूरत होती है, लेकिन यहां कम से कम पूंजी निवेश या ना के बराबर पूंजी निवेश में भी इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हैं। पारंपरिक व्यवसाय में पूर्ण अनुभव, पूर्ण ज्ञान की जरूरत होती है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं होता। पारंपरिक व्यवसाय में आपको व्यवसाय के हिसाब से 12-14 घंटे समय देना पड़ता है। इस व्यवसाय को आप पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं और अपने हिसाब से समय देकर भी कर सकते हैं। पारंपरिक व्यवसाय में जोखिम है, चिंता है, पारंपरिक व्यवसाय में सुरक्षा बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन इस व्यवसाय के अंदर ना जोखिम है ना चिंता है और साथ में व्यवसाय पूरे तरीके से सुरक्षित है। इसे बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय। लेकिन ये देखने के बाद मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन आया था, मुझे मालूम है आपके दिमाग में भी वो क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने पूंजी लगाई नहीं, अगर हमने दुकान खोली नहीं, अगर हमने स्टॉक भरा नहीं, अगर हमने स्टाफ रखा नहीं, तो फिर आखिर पैसा कहां से आएगा? इस सवाल का जवाब मैं आपको स्लाइड में दे रहा हूं। पैसा कहां से आएगा? तो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में पैसा कैसे आता है ये देखिए, समझ में आएगा आपको। एक निर्माता होता है और एक ग्राहक होता है, इन दोनों पार्टीज के बीच में ही दुनिया के सारे बिजनेस होते हैं। चाहे वो बिजनेस सुई का हो या बिजनेस हवाई जहाज का हो, ये दो पार्टीज के बीच में हो रहे हैं। लेकिन आज तक कोई ग्राहक कभी कंपनी नहीं गया सामान खरीदने, और आज तक कोई कंपनी ग्राहक के दरवाजे पे नहीं आई सामान बेचने। तो होता क्या है, कंपनी सामान बेचती है C&F एजेंट को, मतलब कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंसी वाले लोग होते हैं। उसके बाद ये सामान बिकता है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर सामान बेचता है रिटेलर को, और रिटेलर सामान बेचता है हमें और आपको। लास्ट में ये प्रोडक्ट हमारे पास में आते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, ये सारे के सारे जो लोग हैं, जो इस चैनल के पार्ट हैं, ये सब लोग सामान को आगे फॉरवर्ड करते हैं और फॉरवर्ड करने का पैसा कमाते हैं। लेकिन ये तो वो लोग हैं जो कुछ करके पैसा कमा रहे हैं। अब मैं बात कर रहा हूं उस वर्ग के बारे में जो ना तो सामान को फॉरवर्ड करते हैं और ना तो सामान को इस्तेमाल करते हैं, ना तो सामान को मैन्युफैक्चर करते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी सामान से सबसे ज्यादा पैसा वही कमाते हैं, और वो होते हैं एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोग। यस, आपने बिल्कुल सही सुना, चाहे वो एक चॉकलेट ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी एडवर्टाइजमेंट के बिना नहीं बिकती है। एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा पैसा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, अगर 30 रुपए में सामान बना तो 100 रुपए में कस्टमर उसको खरीदता है, बीच का 50-70% पैसा इन सबके जेब में जाता है, और हमें हमारे ऊपर इसका बोझ जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। बहुत सिंपल है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसके ठीक विपरीत, निर्माता से सामान उठाकर सीधे ग्राहक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की होती है, और साथ में आम आदमी को मौखिक प्रचार करने का अवसर दिया जाता है। आम आदमी मौखिक प्रचार करके टर्नओवर कर सकता है, और वही 50-70% पैसा जो उधर ऊपर जा रहा था, वही पैसा हमें और आपको कमाने का मौका मिलता है। बहुत सिंपल है, ऊपर वाला जो पैटर्न आपने देखा वो होता है सारे पूंजीपतियों के लिए, नीचे वाला जो पैटर्न आपने देखा वो है आम आदमी के लिए जो बहुत बड़ा पूंजीपति नहीं है। और ये दिखाने के बाद एक बात मैं हमेशा बोलता हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पुराने अनुभव छोड़िए, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की बढ़ती हुई विश्वव्यापी ताकत को समझिए और खुले दिमाग से तथ्यों और आंकड़ों को तौलिए। कहीं ऐसा ना हो कि इस समय हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ना समझ पाए और बाद में हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा पछतावा रह जाए। दोस्तों, एक बात और मैं ऐड कर रहा हूं, इस पूरे पैटर्न को देखने के बाद में कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो इस बिजनेस को छोटा समझते हैं कि ये कोई छोटा मोटा काम होगा, लेकिन ये छोटा मोटा काम नहीं है दोस्तों, इसका साइज बहुत बड़ा है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA के आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, चाहे वो USA हो, चाहे वो UK हो, चाहे मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, इन सारी कंपनीज के अंदर प्रॉपर रेगुलेटरी बनाकर, लॉज बनाकर इस बिजनेस को ऑपरेट किया जा रहा है, और बहुत तेजी से ये प्रोफेशन इन देशों में बड़ा रूप लेता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। और अगर टर्नओवर की बात करें तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने अकेले पछाड़ दिया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री टर्नओवर के मामले में भी बहुत आगे है, और WFDSA के अनुसार जो लास्ट डाटा हमारे पास आया था उस हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का टर्नओवर 14 लाख करोड़ से ज्यादा है, 14 लाख करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर।
दुनिया भर के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमारे इंडिया में कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये तो दुनिया भर में हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ ये प्रेडिक्शन कर चुके हैं कि भविष्य का सबसे बड़ा मार्केट डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया होने वाला है, भविष्य का सबसे बड़ा मार्केट। और इस पे कदम उठाते हुए हमारे इंडिया में भी 2016 में गाइडलाइंस बना दी गई हैं और बहुत तेजी से इंडियन गवर्नमेंट लगी हुई है लॉज और रेगुलेटरी बनाने पर। वो दिन दूर नहीं है जब हमारे यहाँ भी ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन होगा और हर एक इंसान जब एक प्रोफेशनल बनना चाहेगा तो वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को चूज करेगा। दोस्तों, ये तो बात रही इंडस्ट्री की, लेकिन अगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चूज करना है तो उसके लिए तरीका क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये मैं आपको जरूर यहां पे बताना चाहूंगा। क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हम कैसे चूज करें। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्त, वो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, बहुत काम आएगा आपके। और वो फॉर्मूला है ये 5P। ये 5P ही वो फॉर्मूला है जिसको देखकर आप किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं, किसी भी कंपनी को जांचा और परखा जा सकता है इन 5P के माध्यम से। सबसे पहला पी है, इसे बोलते हैं प्रमोटर्स, कंपनी के ओनर, कंपनी का मैनेजमेंट। वो फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए और साथ में उनके पास अनुभव होना चाहिए। कई बार हमारे कई दोस्तों को जब जानकारी नहीं होती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ फाइनेंशियली मजबूत होने से ही मैनेजमेंट अच्छा माना जाता है, ऐसा नहीं होता है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, साथ में अनुभव होना, ये दोनों चीजें होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो दूसरा पी है, इसे बोलते हैं प्रोफाइल, मतलब अब तक की सफलता कितनी रही, क्या ये सफलता प्रमाणित है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पी है, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स, सामान क्वालिटी ओरिएंटेड होने चाहिए, सामान हर घर के इस्तेमाल के होने चाहिए और साथ में सामान बाजार से अलग होने चाहिए, सामान कंपनी के खुद के फॉर्मुलेट किए हुए होने चाहिए और साथ में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब उस सामान को आप हाथ में लेकर देखें ना तो आपकी अंतरात्मा से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, मैं इस सामान को जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं इस सामान को हर महीने इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर से ये फीलिंग आ रही है तो 100% वो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा काम के हैं और आपको वही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चूज करनी चाहिए। चौथा पी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्लान, प्रॉफिट या पे आउट। प्लान सरल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा जरूरी है, इजी टू डुप्लीकेट भी बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ में उसमें आमदनी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ में पांचवा पी है दोस्तों, जिसके बिना सारे पी बेकार होते हैं और वो है पार्टनर्स। इसका बहुत मजबूत होना जरूरी है, प्रमाणित एजुकेशन सिस्टम होना जरूरी है, सिखाने वाले अनुभवी लोग होने जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, ये बिजनेस हमारे लिए नया है, ये बिजनेस आपके लिए नया हो सकता है क्योंकि हमारे पूरे खानदान में ये बिजनेस कभी किसी ने किया नहीं। अगर इस बिजनेस की हमें सही जानकारी चाहिए, इस बिजनेस में डेवलपमेंट करने के सही फॉर्मूले अगर हमें चाहिए तो देने के लिए प्रमाणित एजुकेशन सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये पांचों पी मजबूत है तो 110% उस कंपनी को आपको चूज कर लेना चाहिए, लेकिन पांचों पी में से एक पी भी अगर कमजोर है तो उस कंपनी को आपको नहीं चूज करना चाहिए। आइए माय लाइफस्टाइल के पांचों पी के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले पी के बारे में बात करते हैं जिसके कारण मैं माय लाइफस्टाइल के अंदर हूं और मुझे गर्व होता है इस पहले पी पर, क्योंकि हमारा जो मैनेजमेंट है वो पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे अनुभवी मैनेजमेंट में से एक है, पूरे एशिया महाद्वीप के सबसे अनुभवी मैनेजमेंट में से। और माय लाइफस्टाइल की ग्रोथ का जो बहुत बड़ा कारण है वो है हमारा ये पहला पी। उसके बाद जो आप पहले पी में, एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी मैनेजमेंट के साथ एक बहुत बड़ा रोल होता है कंपनी में, कंपनी के R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी का R&D बहुत स्ट्रांग है, जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स को बनाया है, जो बड़े बड़े नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जिसमें से एक नाम है मिस्टर के राजेश, दूसरा नाम है डॉक्टर DBA नारायणा, तीसरा नाम है मिस्टर डॉक्टर KC गॉर्डन। ऐसे बड़े बड़े नाम है दोस्तों, जो लोग कॉरपोरेट जायंट हैं, जो 40 साल 45 साल जिन्हें हो गए बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑपरेट करते हुए, बड़ी बड़ी कंपनीज को सर्विस देते हुए, ऐसे ब्रांड्स को इन्होंने सर्विस दिया जिन ब्रांड्स के प्रोडक्ट हमने बचपन से आज तक यूज किए हैं और आज ये पूरे तरीके से डेडिकेटेड है माय लाइफस्टाइल के लिए, हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। पूरे मैनेजमेंट का जिंदगी भर का अनुभव का निचोड़ निकाल कर और कई सालों तक रिसर्च करने के बाद 6.5 साल पहले जिस कंपनी की स्थापना इंडिया के अंदर की गई, उसका नाम है माय लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और पहले दिन से ही
जो लक्ष्य लिया गया वो था टू बिकम वर्ल्ड्स नंबर वन इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। बड़ा लक्ष्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर लक्ष्य बड़ा होता है तो अचीवमेंट भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। दूसरे पी के बारे में अगर बात करें, प्रोफाइल, तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह पूरे इंडिया में माई लाइफ स्टाइल फैला हुआ है, जगह जगह कंपनी के स्टोर्स फैले हुए हैं। और साथ में अगर सर्टिफिकेशंस कोई पूछे कि सर सर्टिफिकेशंस क्या क्या है, तो मैं एक ही चीज बोलता हूं, जितने सर्टिफिकेशंस आप सोच सकते हैं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए या जो रिक्वायर्ड है, जो जरूरी है, ऑलमोस्ट वो सारे के सारे हमारे पास में उपलब्ध है। उसके बाद सक्सेस प्रोफाइल की बात करें, तो आज लाखों लोग पूरे इंडिया के अंदर बेनिफिशियरी हैं हमारे प्रोडक्ट्स के, और बेनिफिशियरी लाखों लोग हैं हमारे बिजनेस प्लान के, जो लोग जुड़ चुके हैं और लगातार फायदे लेते चले जा रहे हैं। हजारों की संख्या में हमारे पास अचीवर्स हैं, चाहे वो रैंक अचीवर्स हो, चाहे फॉरेन टूर अचीवर्स हो। सैकड़ों की संख्या में हमारे पिकअप पॉइंट्स हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिक्की के हम मेंबर हैं, माई लाइफ स्टाइल फिक्की की मेंबर है। और साथ में जो सीलिंग अचीवर हैं और जो 2,10,000 रुपए हफ्ते की सीलिंग को हिट कर चुके हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी सैकड़ों में है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है, बहुत बड़े प्रमाण के साथ। उसके बाद एक बहुत बड़ी चीज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लास्ट हमारा एक प्रोग्राम हुआ था मुंबई में, करीबन 50,000 लोगों का प्रोग्राम, जिसमें हमारे जो विशिष्ट अतिथि थे वो थे कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, जिनके अंडर में है श्री रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी आकर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को उन्होंने संबोधित किया माई लाइफ स्टाइल के मंच से। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और एक और सबसे बड़ा अचीवमेंट, एक और ऐसा फेदर जो माई लाइफ स्टाइल के सक्सेस कैप में ऐड हुआ, और वो है स्किल इंडिया से हमारा कोलैबोरेशन हो चुका है, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राशि के माध्यम से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्टिफाई किया जा रहा है इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल के रूप में। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, तो हमारे पास में अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे ऑन एंड ऑन, एलिमेंट्स, न्यू स्टार, इंडिया ग्रो, आहार और साथ में एमआई होम, ऐसे ब्रांड्स हमारे पास में हैं। और इन ब्रांड्स के ढेर सारे सैकड़ों की संख्या में प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारे प्रोडक्ट्स। और ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि अगर एक बार कोई भी इंसान ले ले, तो वो आगे बढ़ बढ़ के रिपर्चेस करता है और आगे बढ़ बढ़ के इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत शानदार है और ये अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, कोई भी इंसान आसानी से अफोर्ड कर सकता है। इन प्रोडक्ट्स की जरूरत हमें क्यों है, ये देखने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा कि हमारे प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेशंस क्या हैं। सर्टिफिकेशंस या क्वालिटी में अगर आप देखें, तो 10 क्वालिटीज यहां पे लाइन से लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। ये जो 10 क्वालिटीज हैं, यूनिक क्वालिटीज हैं, ढेर सारे सर्टिफिकेशंस हमारे पास में हैं। हमारे एलिमेंट्स ब्रांड के जो प्रोडक्ट हैं वो API, मतलब आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में जो हर्ब्स लिखे हुए हैं उसके द्वारा फॉर्मुलेट किए गए हैं। और साथ में एक सबसे बड़ा हमारा अचीवमेंट है कि हमारे एलिमेंट्स वेलनेस के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको आयुष का प्रीमियम मार्क मिला हुआ है। आयुष मिनिस्ट्री हम सभी जानते हैं अच्छे से, आयुष के दो मार्क होते हैं, एक स्टैंडर्ड मार्क, एक प्रीमियम मार्क। प्रीमियम मार्क बेस्ट होता है और हमें बेस्ट क्वालिटी मार्क मिला हुआ है, जिससे यह साबित होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स हैं। इन प्रोडक्ट्स में एक और बहुत बड़ा फेदर ऐड हुआ है, और वो ये है कि लास्ट ईयर जो इंडिया का सबसे बड़ा मीडिया हाउस है, इसे बोलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक टाइम्स के माध्यम से हमें बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ द ईयर, और इंडिया में पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के एक ब्रांड को ये अवार्ड दिया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। इसके साथ में इन प्रोडक्ट्स की हमें जरूरत क्यों है, हमारे जितने भी वेलनेस और हेल्थ के प्रोडक्ट हैं उसकी जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि आज लगातार लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत चिंतित हैं। WHO के अनुसार पूरे शहरी क्षेत्रों में अगर देखा जाए, तो 5 में से 3 व्यक्ति या तो डायबिटीज या तो हाइपरटेंशन या तो दोनों से ग्रसित हैं। मतलब बहुत सिंपल है कि लगातार डिजीज बढ़ती चली जा रही है और लोगों की जिंदगी भर की कमाई इन डिजीज को ठीक करने में जाती चली जा रही है। लगातार लोग अलग अलग प्रकार के रोगों से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। अगर इन सब से हमें बचना है तो हमारे प्रोडक्ट्स इसके लिए रामबाण साबित होते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, ये इस प्रोडक्ट का नाम है 9E5।
और दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये अकेले प्रोडक्ट का टर्नओवर इतना है जितना टर्नओवर इंडिया में कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। पूरे दुनिया भर का वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट हमारे पास में है, जिसका नाम है 9E5। कई लोग इसे प्यार से, इज्जत से संजीवनी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पूरे शरीर में सर्विसिंग करने का काम करता है। सर्विसिंग वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इंसान की बॉडी बनी हुई है सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बनता है पूरा ऑर्गन सिस्टम, मतलब ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सेल्स जब डैमेज होती हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण जो लॉस होता है, उन लॉसेस की रिकवरी जो है वो 9E5 के एक सैचेट के माध्यम से होती है। 9 लाख से ज्यादा ऑरेक वैल्यू इसके अंदर है, और ये बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उस प्रॉब्लम से आप निजात पाना चाहते हैं तो 9E5 आपकी बहुत तेजी से हेल्प कर सकता है। तो जिन्होंने आपको ये वीडियो शेयर किया है, जरूर उनसे इस प्रोडक्ट के बारे में पूछिए, इसका वीडियो जाकर YouTube पर देखिए, इसके रिजल्ट देखिए, और इस प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि जान है तो जहान है, पहला सुख निरोगी काया। दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट है ये है डाइबा लाइफ। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों चीजों के लिए काम करता है, और डाइबा लाइफ एक पेटेंटेड फॉर्मूला है, और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कई कंट्रीज के अंदर चल रहा है और बहुत तेजी से काम करता है। जिन्होंने आपसे बात की है इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, उनसे डिटेल में समझिए, यूट्यूब पर जाइए, इसका भी वीडियो देखिए, और इस प्रोडक्ट को जरूर 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 इस्तेमाल करिए। साथ में ऐसे ढेर सारे हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं, जैसे न्यूट्रीलाइफ, प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए, चाहे वो बच्चों के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो लेडीज के लिए हो या जेंट्स के लिए हो, अगर आप पूरा न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के अंदर चाहते हैं तो मार्केट के अंदर वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, जिसका नाम है न्यूट्रीलाइफ। और साथ में आपकी बॉडी से नेचुरल तरीके से अगर कैलोरीज को आप बर्न करना चाहते हैं, अगर फैट को आप बॉडी से बाहर निकालना चाहते हैं, तो मेल्ट फैट एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए। इसके बाद वेल हार्ट, जो आपके हार्ट को पूरे तरीके से तंदुरुस्त रखता है, चाहे आपको हल्का फुल्का ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम अगर कभी हुई भी है, या आप अगर चाहते हैं आगे जिंदगी में कभी ना हो, आप चाहते हैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें कभी भी ना हो, अगर ये सारी चीजें आप चाहते हैं तो वेल हार्ट को जरूर इस्तेमाल करें। और साथ में हमारे पास में एक शानदार सुपर फूड है जिसका नाम है स्पायरोलिना गोल्ड, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और आपके शरीर के अंदर जो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ सकती थी उससे आपको प्रोटेक्ट करता है, और छोटे मोटे डिसऑर्डर्स अगर आ भी गए हैं तो उसको भी ठीक करने में मदद करता है। इसके साथ में कोफनिल, जो कि आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि खांसी के लिए है और साथ में एलर्जी के लिए है, साथ में लिव अगेन, जो आपके लीवर को तंदुरुस्त रखने का काम करता है, और ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। जैसे फाइट स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो फाइट स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है हर इंसान के लिए, क्योंकि हर डॉक्टर यही बोलता है कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं, 99% बीमारियों की जो जड़ है वो स्ट्रेस है। अगर आप स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं तो फाइट स्ट्रेस आपकी बहुत तेजी से मदद कर सकता है। इसके साथ में आपके डाइजेशन के लिए इम्यूनो 3+ है, और ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट आप देख रहे हैं, चाहे वो मैन शक्ति मैन हो, चाहे वो नो वेदना हो आपके किसी भी प्रकार के पेन के लिए, चाहे वो डेली डिटॉक्स आपके बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, चाहे वो बिलो 37 आपको बुखार से निजात दिलाने के लिए, चाहे वो वूंड हीलिंग क्रीम, ये सारे के सारे प्रोडक्ट बेस्ट इन क्लास है दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्रीम लगाकर हम किसी भी घाव को भरते हैं, लेकिन ध्यान रखिए बहुत स्पीड में वूंड हीलिंग क्रीम आपके घाव को भरेगी, और अगर आप डायबिटिक भी हैं तो भी इसका आप इस्तेमाल करें, डायबिटीज का जो पेशेंट है उसके घाव को भी बहुत तेजी से भरने में वूंड हीलिंग मदद करती है। उसके साथ वुमेन कंपेनियन, महिलाओं का सबसे बड़ा साथी, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरिफायर, चंपी चैंपियन ऑयल प्रॉपर मसाज करने के लिए। सिर्फ टूथपेस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक के ढेर सारी वैरायटी के एक से एक बेस्ट इन क्लास टूथपेस्ट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि मार्केट से एकदम डिफरेंट है, और कोई भी इंसान एक बार यूज करेगा तो बार बार यूज करेगा। साथ में चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो फेयरनेस क्रीम हो, ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं, ढेर सारे, जो कि आप स्क्रीन पे लगातार देखते चले जा रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर एक प्रोडक्ट को भी आपने अच्छे से समझ लिया, जैसे वो यूरी फ्लश है,
हमारे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे से नहीं जानते हैं, लेकिन वो यूरी फ्लश के बारे में अच्छे से जानते हैं और वो लाखों रुपए का टर्नओवर सिर्फ यूरी फ्लश का लेकर आते हैं, क्योंकि ये मार्केट के अंदर बेस्ट प्रोडक्ट है और एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। उसके साथ में चाहे वो हमारा कवच प्राश है, प्रोटीन है, ऐसे करके ढेर सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं जो स्क्रीन पर लगातार आते चले जा रहे हैं। अब इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से चाहे वो होम केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे वो पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे वो वेलनेस के प्रोडक्ट हो, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रोडक्ट हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग का हमारा ब्रांड है जिसका नाम है इंडिया ग्रो। इसके आपके खेती के बुवाई से लेके काटने तक जितनी भी प्रोसेस होती है उसके लिए हमारे पास शानदार शानदार प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं इंडिया ग्रो ब्रांड के माध्यम से। ऐसे करके हमारे पास सैकड़ों वैरायटी के प्रोडक्ट है, जी हाँ सैकड़ों वैरायटी, ऐसी ऐसी वैरायटीज हैं जो आप शायद सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स जो आपके घर के आसपास में लोगों को जिनकी जरूरत है ही, ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। अब आइए मूव करते हैं इन प्रोडक्ट से हमारी इनकम कैसे होगी इसकी तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, इनकम किस तरीके से होती है अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको पहले एक टर्म समझना पड़ेगा, इसे बोलते हैं बीवी। बीवी को बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम। एक रेंज हमारी ऐसी है जो हमारे वेलनेस प्रोडक्ट्स की रेंज है, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की रेंज है, उसमें हमें मिलता है 75% बिजनेस वॉल्यूम, और दूसरी रेंज हमारी ऐसी है जो हमारी थोड़ी सी इकोनॉमी रेंज है और ऐसी रेंज है जो मार्केट के जो रेट्स हैं उन रेट्स पर आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं और नॉर्मल आपको जनरल यूज के और होम केयर के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो आपको मिल सकते हैं। इसमें बिजनेस वॉल्यूम है 35%। और माई लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी खूबसूरती देखिए दोस्तों, आपको बहुत ढेर सारे बिजनेस वॉल्यूम याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको खाली 75 याद रखना है और आपको 35 याद रखना है। एक रेंज है जिसमें 75% बिजनेस वॉल्यूम है, एक रेंज है जिसमें 35% बिजनेस वॉल्यूम है, और इसी से आपका पूरा का पूरा बिजनेस होगा। बिजनेस कैसे होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पहले ये देखें हाउ टू स्टार्ट, इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान है। आपको जिन्होंने ये वीडियो शेयर किया है उनसे बात करिए, बात करके अगर कोई सवाल है तो उनसे सवाल पूछिए, अपना फॉर्म भरिए, अपना आईडी प्रूफ एड्रेस प्रूफ उनको दीजिए, आपकी आईडी जनरेट कर दी जाएगी। आईडी जनरेट करना एब्सोल्युटली फ्री है एज पर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आईडी जनरेट करना एब्सोल्युटली फ्री है, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये वैसे ही फ्री है जैसे मोबाइल की सिम लेना फ्री होता है, लेकिन उसके बाद उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। अगर आप भी अपनी आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं और आप भी यहां से कुछ बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आपको अपनी पसंद के कुछ प्रोडक्ट की शॉपिंग करनी है। कुछ भी प्रोडक्ट आप अपने जरूरत के अनुसार जितना जो आप अफोर्ड कर सकते हैं आप प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं। आप चाहे तो 2-4 प्रोडक्ट परचेस कर लें, आप चाहे तो 8-10 प्रोडक्ट परचेस कर लें, जो भी चाहे वो आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर इस बिजनेस के अंदर आप पेमेंट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो पेमेंट एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो है 5000 शॉपिंग, मतलब आपके आईडी पर 5000 की शॉपिंग करना। और चिंता मत करिए ये बहुत आसान है, अगर आप थोड़ी थोड़ी शॉपिंग भी करते हैं तो भी वो एक्यूमुलेट होके 5000 हो जाता है, मतलब वो एड ऑन होता चला जाता है। 5000 की शॉपिंग कंप्लीट होके आपकी इनकम यहां पर स्टार्ट होती है। और इनकम कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की आमदनी यहां आपको लिस्ट में सामने दिखाई दे रही है, चाहे वो रिटेल इनकम हो, चाहे वो सेल टर्नओवर बोनस हो, चाहे वो परफॉर्मेंस बोनस हो, चाहे वो स्टार परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस और साथ में रॉयल्टी, ऐसे करके ढेर सारी इनकम होती है जो यहां स्क्रीन पे आपको दिख रही है। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा तो आपका ये हो गया कि आपको 10-40% का डिस्काउंट, मतलब साल में अगर आप चाहें तो 20-25 हजार रुपए की बचत कर सकते हैं। लेकिन रिटेल प्रॉफिट एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है, इसको जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये हर एक इंसान के इस्तेमाल के प्रोडक्ट हैं। हर एक इंसान के सामने अगर प्रोडक्ट्स के बारे में आप बताना शुरू करें तो कोई भी इंसान 2-4 प्रोडक्ट तो यूज करना शुरू कर ही देगा। आपको प्रोडक्ट मिला डीपी पर, लेकिन सामने वाले को हम प्रोडक्ट दे सकते हैं एमआरपी पर। अगर आपका कोई बहुत सगा है तो एमआरपी से थोड़ा बहुत छोड़कर भी अगर आप देते हैं तो आपका 10-40% का प्रॉफिट होता है। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हैं, खाली एक हेयर ऑयल अगर ले लें तो उसमें करीबन 110 रुपए का मार्जिन होता है, एक 95 अगर ले लें तो करीबन 500 रुपए का मार्जिन होता है। अगर एक छोटे छोटे प्रोडक्ट्स को भी हम रिटेल करना शुरू करें तो रोज का 200, 300, 400, 500 रुपए की हम आमदनी कर सकते हैं। मतलब कोई भी इंसान महीने का 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 रुपए की रिटेल इनकम कर सकता है। और ध्यान दीजिएगा, अपने घर पे रह के मेरी टीम के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो महीने का 15-15, 20-20 हजार रुपए की रेगुलर रिटेल इनकम कर रहे हैं, और बल्कि मैं तो ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो महीने की 50-50 हजार रुपए तक की भी रिटेल इनकम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी आमदनी है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बेस्ट इन क्लास हैं।
और इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से ही आपकी आमदनी होती है। साथ में अब हम बात करते हैं दूसरी आमदनी के बारे में, मतलब सेल टर्नओवर बोनस। मतलब आप यहां पर अपना नेटवर्क बनाकर सेल टर्नओवर बोनस अर्न कर सकते हैं। नेटवर्क बनाना बहुत सिंपल सा काम है दोस्तों। दुनिया के हर एक व्यवसाय के अंदर, हर एक प्रोफेशन में हर एक इंसान नेटवर्क बनाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर भी एक नेटवर्क होता है। कैसे नेटवर्क होता है? एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि ऊपर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे होते हैं ढेर सारे रिटेलर्स। डिस्ट्रीब्यूटर के को मार्जिन ज्यादा मिलता है और ढेर सारे रिटेलर्स जो है वो लोअर मार्जिन के ऊपर काम करते हैं, और यहाँ कुछ इस तरीके का नेटवर्क जो है वो फॉर्म किया जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नेटवर्क कुछ इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि आप है डिस्ट्रीब्यूटर्स, और जिन्हें आपने अपने साथ जोड़ा वो भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो अपने साथ जिनको जोड़ेंगे वो भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो भी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। इस तरीके से शुरुआत में इंसान प्रोडक्ट्स को रिटेल करना चालू करता है, लेकिन फिर ढेर सारे लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर देता है, और वो भी सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के जैसा हो जाता है, और सारा का सारा मार्जिन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स में। ये ध्यान दीजिएगा कि इस बिजनेस के अंदर कोई भी इंसान, इस बिजनेस की सबसे बड़ी खासियत ये है, कोई भी इंसान इस बिजनेस को शुरू करे, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी थर्ड पर्सन हो, आप चाहे भले एक करोड़पति क्यों ना हो, या कोई दूसरा इंसान आपसे कम आमदनी करने वाला क्यों ना हो, जो 10,000 रुपए महीने की आमदनी करता है, वो एक करोड़पति को भी पीछे कर सकता है, क्योंकि यहां मार्जिन सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, स्टार्ट करने का तरीका सबका सेम होता है। आप चाहे किसी भी प्रोफाइल से बिलोंग करते हो, कोई भी इंसान इस बिजनेस के अंदर सबको पछाड़कर आगे निकल सकता है। इवन इस प्लान को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप समझ गए तो हो सकता है कि कल को आप आज इस बिजनेस को शुरू करें और कल को आप मुझे पीछे छोड़ दें और आप भी आगे निकल जाएं। ये भी इस प्लान के अंदर ताकत है। मतलब सिंपल सी बात है, यहां नेटवर्क कैसे बिल्ड होता है, आइए मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले ये रही आपकी आईडी, आपने अपनी फैमिली की आईडी जनरेट करी। क्या किया आपने? आपने अपनी जरूरत के सामान परचेस किए, जो भी आपको जरूरत है, कहीं ना कहीं से आप परचेस करते थे, आपने यहां से परचेस कर लिया। दुकान बदलने का काम है, बहुत सिंपल, दुकान बदलने का काम, किसी ना किसी दुकान से खरीदते थे, वही सामान हमने यहां से खरीद लिया। यहां से खरीदने के बाद में अब आपके दो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन वन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जैसे ही कोई भी दो लोग स्पॉन्सर होते हैं, दो लोग स्पॉन्सर होते हैं, आपकी आमदनी की यहां से शुरुआत होती है। दो लोग स्पॉन्सर होने के बाद एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि इन्होंने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा। हो सकता है कोई सामान कम खरीदे, ये भी हो सकता है कोई सामान ज्यादा खरीदे, लेकिन हम समझने के लिए लेते हैं कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान इन्होंने खरीदा, और ये 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जैसे ही मैच हुआ तो इसका 12% आएगा आपके अकाउंट में। जी हाँ, 12% आएगा अकाउंट में, मतलब 1200 रुपए क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। अब इसके बाद यहां समझने वाली चीज क्या है कि इन दोनों के माध्यम से जो भी टर्नओवर होता चला जाएगा उसका 12% आपके अकाउंट में आता चला जाएगा। अब आपने इनकी मदद करी, इनकी हेल्प करने के बाद इनके ऑर्गेनाइजेशन वन ऑर्गेनाइजेशन टू में एक एक इंसान स्पॉन्सर हुआ और इन्होंने 1200 कमाया, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन वन में 20,000 बीवी का टर्नओवर आया, आपके ऑर्गेनाइजेशन टू में 20,000 बीवी का टर्नओवर आया, ये 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच हुआ तो इसका 12% आपको आएगा, मतलब 2400 रुपए आपको आएगा। इसके बाद इनके माध्यम से दो दो लोग स्पॉन्सर होते हैं, 1200 1200 1200 1200 की आमदनी इनकी होती है। ऊपर दोनों जो लोग हैं, जो आपके डायरेक्ट नीचे हैं, उनकी 2400 2400 की आमदनी होती है, लेकिन आपके ऑर्गेनाइजेशन वन में 40,000 बीवी का टर्नओवर हुआ, आपके ऑर्गेनाइजेशन टू में 40,000 बीवी का टर्नओवर हुआ, ये 40,000 बीवी मैच हुआ तो आपने कमाया 4800 रुपए, 4800 रुपीज। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप टू बॉटम जितना भी टर्नओवर मैच होता चला जाएगा उसका 12% आपके अकाउंट में आता चला जाएगा। इसे कहते हैं सेल टर्नओवर बोनस, और ये तब तक आएगा जब तक साप्ताहिक हफ्ते का 2,10,000 रुपए आना शुरू नहीं हो जाएगा। टॉप टू बॉटम टर्नओवर जनरेट होता चला जाएगा, 12% आपके अकाउंट में आता चला जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये पेमेंट लेने के लिए आपको अपना केवाईसी अप्रूव करवाना होगा, अपना पैन डिटेल अपडेट करना होगा, और साथ में अपना नेफ्ट डिटेल अपडेट करना होगा, क्योंकि पेमेंट आपके अकाउंट में NEFT होगा। इस पूरे प्लान के अंदर सबसे ज्यादा जो समझने वाली चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सर्कल जो आपको सेमी सर्कल जो साइड में कर्व जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व है इसके अंदर क्या बताया गया है? अगर
कोई रिक्रूट होता है, मतलब अगर कोई बिजनेस में जुड़ता है तो उसका मैचिंग का मिलेगा आपको 12%। जो लोग जुड़े हुए हैं अगर वो दोबारा सामान खरीदते हैं वो तो खरीदेंगे ही, क्योंकि अगर किसी ने टूथपेस्ट से ब्रश किया तो वो तो खत्म ही होना है, अगर किसी ने साबुन लगाया वो तो खत्म ही होना है, किसी ने हैंड वॉश यूज किया वो तो खत्म ही होना है। तो खत्म होगा तो वो दोबारा परचेस करेंगे, और दोबारा जब परचेस करेंगे तो अगेन आपको मिलेगा 12%। ये इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि जब कोई जुड़ा तब भी 12%, जब किसी ने रिपर्चेस किया तब भी 12%, जब किसी ने प्रोडक्ट्स को रिटेल किया और रिटेल करने के बाद दोबारा परचेसिंग होगी क्योंकि सामान खत्म होगा तब भी आपको मिलेगा 12%। और तो और आपने सेल्फ यूज भी किया, आपने खुद अपनी आईडी पर प्रोडक्ट परचेस किया तो बीवी उधर जाके मैच होगा, जिधर से मैचिंग हो रही होगी जिस साइड में जाने से आपका पेमेंट बनेगा ऑटोमेटिकली बिजनेस वॉल्यूम उधर जाएगा और उसका भी आपको मिलेगा 12%। किसी ने अपने घर में होम शॉपी ले ली, स्टॉक ले लिया, उसका भी आपको मिलेगा 12%। आपने खुद ने भी लिया तो भी वो आपके स्ट्रक्चर में मैच होगा, आपको मिलेगा 12%। मतलब बहुत सिंपल सी बात है दोस्त, इस बिजनेस की सबसे बड़ी सफलता का जो कारण है वो है इस बिजनेस की सरलता। आपको क्या याद रखना है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था आपको 75 याद रखना है, आपको 35 याद रखना है। 75% बिजनेस वॉल्यूम, 35% बिजनेस वॉल्यूम, दो प्रकार के खाली बिजनेस वॉल्यूम है जो आपको याद रखने हैं, और साथ में आपको याद रखना है 12%, क्योंकि जितना भी मैच होता है उसका 12% हमें मिलता है। तो पहला 75 याद रखिए, दूसरा 35 याद रखिए, तीसरा 12 याद रखिए, और चौथा 2-10 याद रखिए, क्योंकि या तो बीवी 75% मिलेगा या तो बीवी 35% मिलेगा। जितना बीवी मैच होगा उसका 12% खाते में आएगा, और तब तक आएगा जब तक 210,000 रुपए हफ्ता आपके खाते में आना शुरू नहीं हो जाएगा। तो ये इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है दोस्तों। अब इसके बाद कुछ एक महत्वपूर्ण चीजों पे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूं, प्रकाश डालता हूं कि कौन सी वो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको समझना जरूरी है। यहां पर अगर देखें ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने आपको स्ट्रक्चर बना के पूरा प्लान समझाया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऐसे लोग जुड़ते ही चले जाएं, क्योंकि आपको पैसा लोगों के जुड़ने से नहीं मिल रहा है, आपको पैसा टर्नओवर से मिल रहा है। इस बिजनेस के अंदर ज्यादा लोगों का जुड़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस बिजनेस के अंदर टर्नओवर इंपॉर्टेंट है। हाँ, हम लोगों को जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि ज्यादा लोग मिलके ज्यादा टर्नओवर कर सकते हैं, इसके कारण हम लोगों को जोड़ते हैं, इसलिए हम ज्यादा लोगों को जोड़ के नेटवर्क को फैलाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, 10,000 बीवी मैच हुआ 1200 आपके अकाउंट में, 20,000 बीवी मैच हुआ 2400 आपके अकाउंट में, 500,000 बीवी मैच हुआ 60,000 आपके अकाउंट में, 1,000,000 बीवी मैच हुआ 1,20,000 आपके अकाउंट में। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, मैचिंग होती चली जाएगी, पैसा आता चला जाएगा। लेकिन अगर मैच नहीं हुआ तो क्या होगा, ये इस सवाल का जवाब आपको यहां पर मिलेगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन 1 में 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 2,00,000 बिजनेस वॉल्यूम आता है, और 1,00,000 बीवी मैच होता है, आपको 12,000 रुपए मिलता है, 1,00,000 बीवी जो बचा हुआ है उसका क्या होगा? परेशान मत होइए, यहां कुछ अलग प्रकार का है, यहां लैप्स नहीं होता है। मतलब सिंपल है कि 2,00,000 में से 1,00,000 जो बचा हुआ है वो लैप्स नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड रहेगा, और जब ये कैरी फॉरवर्ड रहेगा तो अगली बार जब भी इधर 1,00,000 एक्स्ट्रा आएगा वो उससे मैच होगा और आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। ये कैरी फॉरवर्ड बढ़ते 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 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम तक जाता है। 1 CR 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम तक आपका कैरी फॉरवर्ड होता है, जो कि लैप्स नहीं होता है, आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे मैचिंग होती चली जाती है वैसे वैसे कुछ हजारों से शुरुआत करके धीरे धीरे आप लाखों की तरफ जाते हैं, और एक वो भी समय आता है जब धीरे धीरे आप साल की करोड़ों रुपए की आमदनी करना चालू कर देते हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है ये एक इंसान से नहीं होता है, ये ढेर सारे लोगों के एफर्ट से होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां एक आपको मैं एक छोटा सा चार्ट दिखा रहा हूं, बहुत सिंपल है, शायद आप लोगों ने पहले देखा होगा, लेकिन नेटवर्क की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर आपको समझना है तो उसके लिए चार्ट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल ये रहे आप, और आपने इस बिजनेस को शुरू किया और आपने पहले महीने में ज्यादा आप काम ना भी कर पाए तो भी सिर्फ 2 लोगों को स्पॉन्सर किया और 2 लोग ही डुप्लीकेट हो पाए। अगर 2 लोग ही डुप्लीकेट हो पाए, उन्होंने ही सिर्फ काम करना शुरू किया
और इन दोनों के माध्यम से क्या क्या हो सकता है। देखिए पहले महीने में तो आपको मिला 1200 रुपए, लेकिन सिर्फ दो लोग डुप्लीकेट हुए, सिर्फ दो लोगों ने काम किया, तो दूसरे महीने में आपको मिलेगा 2400 रुपए, तीसरे महीने में आपको मिलेगा 4800 रुपए, करते करते साल भर में टोटल अगर होंगे तो ये 8190 लोग होते हैं, और 8190 लोगों में आपकी आमदनी होती है 29,07,600 रुपए। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मैंने ये कैलकुलेशन कई बार देखा हुआ है और ये कैलकुलेशन मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगता। देखिए दोस्तों ऐसा है, हमें प्रैक्टिकल जिंदगी में वही चीजें लगती हैं जो हमारे साथ होती हैं। जिस दिन आपके साथ होगा आपको प्रैक्टिकल लगने लगेगा, जिस दिन आप ऐसे ढेर सारे लोगों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने ये अचीव करके दिखाया तो आपको प्रैक्टिकल लगने लगेगा। लेकिन आज अगर आपको प्रैक्टिकल नहीं भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। अगर मान के चलते हैं कि ऐसा नहीं भी हुआ तो नेगेटिव होगा तो क्या होगा, बहुत सिंपल है। अगर ये 100% है तो 100% में आपको 29 लाख रुपए की आमदनी होती है, लेकिन अगर 50% भी मान के चलते हैं, 50% भी हुआ तो 50% में भी आपकी आमदनी करीबन 14.5 लाख रुपए की होती है सालाना, साल की आमदनी, महीने का 1 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी। 50% मतलब इनमें से 50% लोग अगर एक्टिव नहीं है तो भी। इसके बाद अगर हम 25% की बात करें, इससे भी आधा लेकर आए, तो भी आपकी साल की आमदनी करीबन 7.5-7 लाख रुपए से ज्यादा की होती है। और अगर मिनिमम लेकर चलते हैं 10% पर भी अगर आप आए तो भी आपकी जो साल की आमदनी है वो करीबन 70-80 हजार रुपए होती है। मतलब पल है मिनिमम टू मिनिमम भी अगर हम इनकम करेंगे तो भी महीने की हम 7-8 हजार रुपए की आमदनी कर सकते हैं। और अगर आप इससे भी ज्यादा नेगेटिव सोचे कि मैंने अगर आमदनी किया ही नहीं तो क्या होगा, तो भी कोई बात नहीं सर। इस बिजनेस में सबसे जरूरी चीज समझने वाली बात यह है कि अगर आपने कमाया तो बहुत कुछ कमा सकते हैं, और अगर आपने कमाया ही नहीं तो भी आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपने खाली दुकान बदला है, आपने कुछ प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने के लिए खरीदा है। जरूरी चीज इस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप जरूर ध्यान से देखिएगा और फोकस रखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए। ये तो मैंने आपको बताया एक पूरा का पूरा चार्ट जिससे आप साल भर की अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जिसमें आप 12% से भी ज्यादा की आमदनी कर सकते हैं। अगर 2 लैक्स पर 12% ज्यादा की आमदनी करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, सिंगल आईडी अगर आप लेते हैं और सिंगल आईडी के ऊपर आपकी आमदनी 12% हो रही है, तो एग्जाम्पल सिंगल आईडी पे आपके ऑर्गेनाइजेशन 1 में 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम आता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम आता है, तो ये 10 लाख बीवी मैच करके आप 1,20,000 रुपए की आमदनी करते हैं। लेकिन अगर आप 3 आईडीज लेते हैं, 3 आईडीज एक पैन पर 3 आईडीज आप ले सकते हैं, अगर आपने 3 आईडी लिया और यही 10-10 लाख बिजनेस वॉल्यूम जो है इसको हमने कुछ इस तरीके से डेवलप किया कि 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम आता है और 5-5 लाख मैच होने पर नीचे की दोनों आईडीज पर आप कमाएंगे 60-60 हजार रुपए, मतलब टोटल 1,20,000, ऊपर की एक आईडी पर तो 1,20,000 आना ही है क्योंकि लेफ्ट और राइट में 10 लाख मैच हुआ है, 1,20,000 हम ऐड कर देते हैं तो आपकी आमदनी होती है 2,40,000 रुपए, मतलब 12% का 24%। अगर आप 12% का 24% करना चाहते हैं तो ट्राइपॉड लेकर जरूर बिजनेस शुरू करिएगा। कोई भी इंसान अगर सिंसियर है, सीरियस है अपने कैरियर को लेकर, तो मैं हमेशा बोलता हूं कम से कम 3 आईडीज से आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए। और ज्यादा आमदनी अगर आपको करनी है आप 7 आईडीज लेकर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक पैन पर 3 आईडी, बाकी पैन आपके घर वालों के होंगे, 7 आईडीज पर बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं, फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं वही 10-10 लाख का, अगर हम 10-10 लाख के एग्जाम्पल लेते हैं तो नीचे की सभी ब्रांचेस में हम डिवाइड कर सकते हैं 2.5 लाख बीवी 2.5 लाख बीवी 2.5 लाख बीवी 2.5 लाख बीवी। 8 ब्रांच में हमने 2.5 लाख बीवी को डिवाइड किया। जब 2.5 लाख बीवी को हमने डिवाइड किया, 8 ब्रांचेस ओपन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं उनके लिए जो लोग रिटेल बहुत ज्यादा करते हैं, जो लोग अपनी होम शॉपिंग के माध्यम से बिजनेस करते हैं। ये 2.5 लाख बीवी में हमने डिवाइड किया तो ये चारों आईडीज के ऊपर आपको मिलेगा 30-30 हजार रुपए, मतलब ये हुआ 1,20,000, ऊपर की दोनों आईडीज पे आपको मिलेगा 60-60 हजार, मतलब ये हुआ 1,20,000, और ऊपर सबसे ऊपर वाली आईडी पे 10 लाख बीवी मैच हो रहा है, मतलब 1,20,000, 1,20,1,20,1,20 अगर आप ऐड करते हैं तो 3,60,000 रुपए की आमदनी होती है, जो कि 36% कहलाता है। इस स्ट्रक्चर को अगर आप ध्यान से समझे तो आप इसे बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। 36% की इनकम भी यहां पॉसिबल है। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी मल्टीपल आईडीज के ऊपर काम कर रहे हैं। ये तो रही इनकम की बात, एक जरूरी चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर ज्यादातर लोग इसलिए काम करते हैं क्योंकि यहां पैसिव इनकम होती है। व्हाट इज पैसिव इनकम?
पैसिव इनकम वो है कि जब हम एक्टिव ना भी हो तो भी हमारी आमदनी आती रहे, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। एक बार जरा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं कि आपने इस बिजनेस को शुरू किया, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया और मुश्किल से 10-10 लोग आपके साथ स्पॉन्सर हुए, ये जो 10-10 लोग स्पॉन्सर हुए ना दोस्त, ये 10-10 लोगों ने अगर 10-10 हजार बीवी का सामान खरीदा था तो 1 लाख बीवी मैच हुआ, और 1 लाख बीवी मैच हुआ तो आपने 12,000 रुपए कमाया। ये 12,000 रुपए आपकी एक्टिव इनकम है, लेकिन ये जो 10-10 परिवार हैं, इनके घर में प्रोडक्ट्स बार बार लगेंगे, ये लोग प्रोडक्ट्स को रिटेल भी करेंगे, प्रोडक्ट्स को यूज भी करेंगे, तो बहुत सिंपल है कि इनके घर में प्रोडक्ट्स बार बार लगेंगे, किसी के घर में हो सकता है 5,000 का प्रोडक्ट लगे, किसी के घर में 10,000 का प्रोडक्ट लगे, किसी के घर में 1,000 का लगे और किसी के घर में ना लगे। अगर एग्जाम्पल हम लें कि अगर 2,000 बीवी का प्रोडक्ट भी ये लोग हर महीने यूज करते हैं, तो हर महीने ये 10-10 फैमिलीज के माध्यम से 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आएगा इनके प्रोडक्ट खाली यूज करने से, और 20,000 बीवी मैच होगा तो आप कमाएंगे हर महीने का 2,400 रुपए, और ये 2,400 रुपए आपकी पैसिव इनकम है दोस्तों, क्योंकि इस इनकम के लिए आपने काम नहीं किया है, आपने काम किया था इन 10-10 लोगों को लाने के लिए, और 2,400 रुपए की पैसिव इनकम आप यहां अर्न कर सकते हैं। अगर 50-50 लोगों की टीम होती है, एग्जाम्पल 2,000 बीवी भी अगर लेकर चले तो 1,00,000 बीवी मैच होगा। 50-50 लोग आए और 50 लोगों के माध्यम से 10-10 हजार बीवी का टर्नओवर अगर हम लेके चले तो 5,00,000 बीवी मैच होता है। आपने 60,000 रुपए कमाया, ये आपकी एक्टिव इनकम है, लेकिन ये 50-50 जो फैमिलीज हैं, इन्होंने अगर 2,000 बीवी का भी प्रोडक्ट हर महीने यूज किया तो 1,00,000 बीवी हर महीने मैच होगा और आप कमाएंगे 12,000 रुपए पर मंथ। सामान इस्तेमाल होता है पर मंथ, मतलब आपकी आमदनी होगी पर मंथ, और ये आपकी पैसिव इनकम है। और ऐसे करते करते महीने का 15,000, महीने का 20,000, महीने का 25, 30, 40, 50,000, आज मैं महीने की लाखों रुपए की आमदनी सिर्फ पैसिव इनकम की कर रहा हूं दोस्तों। जब हम काम करने लायक नहीं भी हैं, या जब हम एक्टिव नहीं भी हैं, या सबसे बड़ी सिक्योरिटी इस बिजनेस की क्या है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी यह है कि एक इंसान घर में कमाने वाला होता है और उसके ऊपर सबकी जिम्मेदारी होती है, कल को भगवान न करे अगर उस इंसान के साथ कुछ हो गया, वो इंसान काम करने लायक अगर नहीं रहा, वो इंसान हो सकता है एक्टिव ना रह पाए, तो भी उसके घर में पैसा आएगा, क्योंकि जितने समय तक उसने काम किया है उतने समय में उसने अपनी पैसिव इनकम क्रिएट कर ली है। दुनिया के और किसी प्रोफेशन में आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन हर समझदार इंसान नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को इसलिए करता है क्योंकि यहां पैसिव इनकम का एक सोर्स आप खड़ा कर लेते हैं, कल को भगवान न करे हमारे साथ कोई अनहोनी भी हो गई तो भी हमारे घर पे पैसा आता रहेगा जब हमारे पास हमारा नेटवर्क होगा। कई एग्जाम्पल माई लाइफ स्टाइल में ऐसे हैं दोस्तों जो आज दुनिया में भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके घर, उनके फैमिली को हफ्ते का 2,10,000 रुपए जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों ये तो वो इनकम है जो आप खाली 2 लाख के ऊपर कर सकते हैं, इसके साथ में यहाँ पर ढेर सारी इनकम होती है जिसे हम जनरेशन प्लान बोलते हैं। जनरेशन प्लान के माध्यम से भी आप यहाँ शानदार इनकम कर सकते हैं। जैसे आपने 2 लाख को ओपन किया और 2 लाख को ओपन करके आपने, अगर आप चाहें तो सिंगल आईडी के ऊपर 12%, अगर आप चाहें तो 3 आईडी के ऊपर 24%, अगर आप चाहें तो 7 आईडी ओपन करके 36% तक की आमदनी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी थर्ड लेग ओपन करते हैं, थर्ड लेग ओपन करने के बाद में आपका परफॉर्मेंस बोनस और साथ में और भी कई इनकम यहां पर ऐड होती है। जैसे आपने थर्ड लेग ओपन किया और आप पहली रैंक अचीव करते हैं, इसे बोलते हैं स्टार सिल्वर। स्टार सिल्वर अचीव करने के लिए 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम करना होता है। 3 लेग में 2.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम जब होता है तो आपके पूरे ग्रुप के टर्नओवर का, पूरे टीम के टर्नओवर का 2% आपको एक्स्ट्रा मिलना शुरू होता है, और ये होती है आपकी रैंक इनकम। साथ में मात्र 60,000 बिजनेस वॉल्यूम 3 लेग पे करके आप यहां पर परफॉर्मेंस बोनस अर्न कर सकते हैं। साथ में थर्ड लेग में एक नॉमिनल सा रीपर्चेस का टास्क होता है जो कि आपके बाएं हाथ का काम होगा। आपने अगर वो टारगेट पूरा कर लिया तो आप लॉयल्टी बोनस भी यहां पर अर्न कर सकते हैं, स्टार परफॉर्मेंस बोनस भी अर्न कर सकते हैं। जब थर्ड लेग में आपका 7.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम होता है और तीनों लेग में 7.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हुआ तो आप टोटल 3% रैंक इनकम अर्न करना शुरू करते हैं। जब आप चौथी लेग ओपन करते हैं और चौथी लेग ओपन करके 20-20 लाख बिजनेस वॉल्यूम चारों लेग में होता है तो आप यहां एमराल्ड होते हैं, और एमराल्ड होकर आपकी रैंक इनकम और बढ़कर 3.75% हो जाती है। मतलब
यहाँ पर आपकी आमदनी, आपकी रैंक इनकम, आपका परफॉर्मेंस बोनस, आपका लॉयल्टी बोनस, आपका स्टार परफॉर्मेंस बोनस और आपका सेल टर्नओवर बोनस, अगर सारी इनकम्स को इंक्लूड किया जाए और सारी इनकम को कैलकुलेट किया जाए तो आप अच्छी खासी आमदनी इस पूरे व्यवसाय के अंदर कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप सबसे पहले बिजनेस को स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद अपनी थर्ड और फोर्थ लेग को डेवलप करना शुरू करें ताकि आप एक बहुत ही बेहतरीन आमदनी कर सकें। और ये जो रैंक इनकम है ये बिना सीलिंग के होती है, इसमें कोई सीलिंग लिमिट नहीं होती है, आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी आमदनी है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आठों इनकम मिलाकर आप यहां बहुत बड़ी इनकम, शानदार इनकम कर सकते हैं और शानदार लाइफस्टाइल को एंजॉय कर। लेकिन ये सारी इनकम करने के लिए डियर फ्रेंड्स आपको पांचवे पी की जरूरत पड़ेगी और ये पांचवा पी है एजुकेशनल सिस्टम सपोर्ट सिस्टम। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और इंडिया में फर्स्ट एजुकेशनल सपोर्ट सिस्टम, रजिस्टर्ड प्रमाणित एजुकेशनल सपोर्ट सिस्टम है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की तरफ से। और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के माध्यम से पूरे इंडिया के अंदर जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, वो सारे के सारे लोग आपके शहर में आते हैं, आपके शहर के आसपास के एरियाज में आते हैं, आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग मिलती है, आपको बिजनेस की ट्रेनिंग मिलती है, इस बिजनेस को सही तरीके से डेवलप कैसे करें, लीडरशिप कैसे करें, ये सारी चीजों की आपको ट्रेनिंग मिलती है हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी की तरफ से। वी एंड हार्वेस्ट आपके साथ में खड़ा है और साथ में पूरे इंडिया के अंदर जिनके माध्यम से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर जगह मैंने विजिट किया है, हर जगह मैंने देखा है कि एक से एक सपोर्ट सिस्टम है, शानदार शानदार टीम्स काम कर रही हैं। किसी भी टीम के माध्यम से आपको ये बिजनेस मिला हो, इस बिजनेस को बिल्कुल मत छोड़िएगा, जरूर इस बिजनेस को स्टार्ट करिएगा, क्योंकि हर टीम के पास में अपना एक शानदार एजुकेशन सिस्टम है और साथ में पूरे हिंदुस्तान के लिए हार्वेस्ट सक्सेस अकेडमी का एजुकेशन सिस्टम है जो कि आपकी बहुत मदद करने वाला है। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा पूरा प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन देखने के बाद हमें क्या करना होगा, बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रेजेंटेशन को देखने और समझने के बाद अब हमें एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने जो आज तक सीखा है कि जिंदगी में कभी भी बहुत अच्छा अच्छा सोचने वाला सफल नहीं होता है, बहुत अच्छे विचारों को दिमाग में रखकर घूमने वाला सफल नहीं होता है, बल्कि जो विचार हमारे पास में है उन विचारों पर एक्शन लेने वाला सफल होता है। तो अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को देखा, अगर आपको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं यहाँ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बाद में, तो एक्शन जरूर लीजिए। कॉल करिए उस इंसान को जिसने आपको ये वीडियो शेयर किया है, कॉल करिए उस इंसान को जिसे आप जानते हैं कि वो माई लाइफस्टाइल बिजनेस कर रहा है, और कॉल करके जो भी सवाल आपके मन में आते हैं वो सवाल पूछिए, लेकिन एक्शन जरूर लीजिए। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जरूर ध्यान से सुनिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। वो सवाल कुछ ऐसा है कि अगर आपको कोई भी ऐसा काम समझाया जाए या ऐसा काम दिया जाए जिसमें नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो और फायदा होने की संभावनाएं बहुत कम हो, तो क्या उस काम को आप करना चाहेंगे? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नो। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई काम दिया जाए जिसमें फायदा और नुकसान दोनों की संभावनाएं 50-50 हो, तो क्या आप उस काम को करना चाहेंगे? हो सकता है आपका जवाब ना हो, लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि आप ऐसे काम रोज कर रहे हैं, अगर आप खेती भी कर रहे हैं तो 50-50 में है, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो 50-50 में है, और आजकल तो ज्यादातर जॉब भी ऐसी हैं जो 50-50 में है। हो सकता है बहुत ज्यादा फायदा हो जाए, हो सकता है नुकसान भी हो जाए, हो सकता है समय भी खराब हो जाए, मतलब ये 50-50 में रहता है। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई विकल्प आपको देता हूं जिसमें फायदा होने की असीम संभावनाएं हैं, सिर्फ संभावनाओं की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, फायदा होने की असीम संभावनाएं हैं और नुकसान के चांसेस जीरो हैं, जी हां जीरो, अगर होगा तो फायदा होगा, नुकसान होने का कोई भी चांस नहीं, उसके चांसेस जीरो हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या उस काम को आप करना चाहेंगे? अगर इसमें किसी का जवाब ना आता है जिसमें नुकसान होने की कोई संभावना है ही नहीं, तो उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? इसलिए मैं माई लाइफस्टाइल की जब भी बात करता हूं तो इस अपॉर्चुनिटी के अंदर आपकी फायदा होने की असीम संभावना है। असीम संभावना इसलिए है दोस्तों क्योंकि संभावना सिर्फ तब होती है जब हम किसी काम को अकेले करते हैं, लेकिन असीम संभावना तब होती है जब उस काम में जो सफल लोग हैं वो हमारी मदद करते हैं। दोस्तों अगर आप एक ड्राइविंग सीखना चाहते हैं और ड्राइविंग सीखने के लिए जो एक्सपर्ट ड्राइवर है
वो आपके अगर बाजू में बैठ जाए और आके आपको ये बोले कि तुम चलाओ मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तो आपके ड्राइविंग सीखने की असीम संभावनाएं हो जाती है। अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं और आईएएस बनने की संभावनाएं हैं क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान आपके साथ में आपके कंधे पे आके हाथ रखे जो खुद पूरे हिंदुस्तान के अंदर 500 सैकड़ों आईएएस बना चुका है और आपको ये बोले कि तुम पढ़ाई करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं, तो आपकी आईएएस बनने की संभावनाएं असीम हो जाती हैं। मतलब बहुत सिंपल सी बात है, जिस काम को आप करना शुरू कर रहे हैं अगर उस काम में एक्सपर्ट आपकी मदद करने लगे तो फायदा होने की संभावनाएं असीम हो जाती हैं। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर मैं एक ही लाइन बोलता हूं जो मेरे ग्रेट अपलाइन श्री मोहित टंडन सर, जब उन्होंने मुझे ये प्रेजेंटेशन दिया था तब उन्होंने ये लाइन मुझे बोली थी कि इस बिजनेस का सिंपल सा मतलब है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी एकदम चोखा। मतलब सिंपल सी बात है कि इस बिजनेस के अंदर नुकसान कुछ नहीं होने वाला है लेकिन एक्शन अभी लेना पड़ेगा। कई बार हम एक्शन को टाल देते हैं, अगर एक्शन को हमने टाल दिया तो ये समझ लीजिए कि हमने एक्शन को छोड़ दिया और आगे चल के कभी ना कभी हमारे दिमाग में ये चीज आएगी कि ये प्रेजेंटेशन मैंने देखा था, काश मैंने एक्शन ले लिया होता। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कोई काश ना आने पाए इसलिए एक्शन लीजिए। कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो उसे अच्छे तरीके से समझिए। मैंने प्रयास किया कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन समझा पाऊं। बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पे क्योंकि ये हमारा V2V सीरीज है, वायरस टू विक्ट्री सीरीज है और पूरे इस बिजनेस के मॉडल में आप किस तरीके से सफल हो सकते हैं, ऐसी ढेर सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस चैनल पे। तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच। बहुत ढेर सारा धन्यवाद आप सभी को, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।